आइए, हमारे चैनल में आपका फिर स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल ठाणा, पुणे, नागपुर, अकोला यहाँ है, जहाँ हम पेशेंट को बिना सिजार भर्ती करते हैं और सिजारों के साथ में भर्ती करते हैं। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। आइए हम मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को बिजनेस चलाते चलाते काफ़ी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उसमें उनको डिप्रेशन जैसी बीमारी होती है और फिर हमको उनको काउंसलिंग भी करना पड़ता है। एक व्यक्ति आया था कि बिजनेस में काफ़ी सारे टफ है, मतलब उसके बिजनेस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टफ बिजनेस हो रहा है, नवीनता नहीं है और दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहे हो, बिजनेस डाउन जा रहा है। जब चर्चा किया तो मालूम पड़ा कि भाई उसने बिजनेस में नव परिवर्तन नहीं लाया, नव निर्माण नहीं किया, नवीनता नहीं लाया। देखो, नवीनता जब तक बिजनेस में लाते नहीं है तब तक आपका बिजनेस डाउन डाउन एंड डाउन जाएगा। देखिए, दूरदर्शन मराठी में ऐसा बोलते हैं कि आमची माती आमची माणसं, सालों से वो प्रोग्राम चलते आ रहा था। अभी कम से कम कितने 1000 चैनल अलग अलग होंगे कि जिसमें अलग अलग प्रोग्राम आते हैं और मराठी दूरदर्शन चैनल कहाँ घूम गया, कहाँ गायब हो गया मालूम ही नहीं पड़ा हमको, क्योंकि उन्होंने कोई नया लाया नहीं। बजाज स्कूटर पता नहीं कहाँ चली गई, जो बजाज स्कूटर के लिए दो दो तीन तीन साल अपने को क्यों लगाना पड़ती, लाइन लगानी पड़ती थी और नंबर लगता नहीं था, वो कहाँ गया पता ही नहीं लगा। अपना लैंडलाइन का टेलीफोन तीन तीन साल चार चार साल नंबर लगाने के बाद में नंबर लगता नहीं था, आज आप सिर्फ मोबाइल की इच्छा प्रदर्शित करो कि मोबाइल लेना है, आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है। उन्होंने भी उसमें कुछ इनोवेशन किया नहीं, कोई नया मतलब कुछ नवीनता लाई नहीं। एम्बेसडर कार, फियाट कार, देखो एक ऐसा ज़माना था कि एम्बेसडर कार, फियाट कार के लिए लाइन लगती थी, क्यों लगते थे, वेटिंग पीरियड था। मारुति आई, मारुति ने कब्जा कर लिया और आज 51% मार्केट शेयर उससे भी ज़्यादा मारुति का है और नए 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 मॉडल्स मारुति लाती है, एम्बेसडर और फियाट कार भी दिखती भी नहीं है। कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कंपनी आज घूम गई मालूम ही नहीं पड़ा। फेवरलुबा घड़ी जो थी, फेवरलुबा घड़ी, वो घड़ी पहनना बहुत बड़ी बात थी एक ज़माने में। फेवरलुबा घड़ी कंपनी ने कुछ भी नया इनोवेशन नहीं किया, पता नहीं कंपनी कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मार्केट में नया नया लाना पड़ेगा, नया नया परिवर्तन लाना पड़ेगा, नई नई प्रोडक्ट लाइन लानी पड़ेगी, कस्टमर को क्या चाहिए देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कस्टमर को मैंने ये नया परिवर्तन कैसा करेंगे, नवीनता कैसे लाएंगे, उसको मैंने बताया। नंबर एक कि देखो मार्केट में जाकर देखो कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को क्या चाहिए। जैसा अभी हमने एक होटल चालू किया, मैंने अभी होटल चालू किया है, हमने देखा हमको हमारे सामने प्रॉब्लम था कि भाई नॉन वेजिटेरियन होटल चालू करना कि वेजिटेरियन होटल चालू करना। हमने क्या किया, एक रैंडमली 500-600 लोगों को हमने एक SMS भेजे व्हाट्सएप के ऊपर और लोगों को पूछा कि आप क्या पसंद करोगे, प्योर वेज रेस्टोरेंट पसंद करोगे कि मिक्स नॉन वेज वेज उसका रेस्टोरेंट पसंद करोगे। 70% लोगों ने बोला कि हमको फैमिली के लिए और हमारे लिए हम वेज रेस्टोरेंट पसंद करेंगे और हमने वेज रेस्टोरेंट चालू कर दिया, फ्री मालूम पड़ा हमको। कस्टमर को जाके पूछो कि आपको चाहिए क्या। नंबर दो, कस्टमर को ये पूछो कि उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या उनको चाहिए क्या और उनको उनकी ज़रूरत क्या है। जैसा ऐसा एक ज़माना था कि लोग अपने हाथ में बड़ी बड़ी बैग उठा के लेके जाते थे या कंधे पे ले जाते थे, पीठ के ऊपर बैग ले जाते, सर के ऊपर बैग ले जाते थे। किसके मन में आइडिया है कि प्रॉब्लम यह है कि बैग लेके जाना, सफ़र करना है तो कहीं बाहर गाँव जाना तो सफ़र करना है तो बैग उठानी पड़ती थी। उसने सिर्फ इतना ही किया कि वो बैग को चक्के लगा दिए और आदमी करोड़पति बन गया, इनोवेशन लाया। तो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, वो यदि आप देखेंगे तो वहाँ से आपको नवीनता मिलेगी, कुछ तो भी आप नया ला सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो देखना पड़ेगा कस्टमर को, आपके प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी मार्केट सर्वे आपको करना पड़ेगा कि भाई आपके प्रोडक्ट कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे, नहीं तो कस्टमर हमारे से दूर निकलेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा वो क्यों दूर जा रहा है। एक दिन आपका धंधा पूरा चौपट हो जाएगा, उस दिन मालूम पड़ेगा अरे हमारे कस्टमर गए कहाँ। तो बीच बीच में जाके मार्केट में सर्वे करना, देखना कि भाई कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, कस्टमर के ओपिनियन पूछते हैं, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम आते हैं वो देखते हैं, हमारे धंधे में हम नवीनता लाते हैं, न्यू चीज़ लाते हैं, है ना, नई नई चीज़ लाते हैं, नया नया इनोवेशन करते रहते हैं तो धंधा चलेगा। नहीं तो आप एक प्रोडक्ट लेके बैठेंगे और वही सालों साल चलेगा, ऐसा कभी होगा नहीं। हर बार आपको देखो, नोकिया देखो कंपनी, नोकिया ने एक बार ठान लिया कि नहीं हमको स्मार्टफोन लाने का नहीं, अभी लाए, कंपनी चौपट हो गई। तो वो हमको देखना जरूरी है कि भाई हम हमारे बिजनेस में धंधा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या हम नवीनता लाते हैं, क्या नया नया चीज़ हम लाते हैं और नई चीज़ लाके नया इनोवेशन करके हमारा धंधा कैसे आगे बढ़ाते रहते हैं।
जब ये बातें मैंने उसके साथ में किया तो उसने कबूल किया कि भाई मैंने कुछ भी नया किया नहीं है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, पिछले 25 साल से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, धीरे 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 धंधा चौपट होते जा रहा है, धंधा मार खाते जा रहा है। ये बातें बताई तो उसने मुझे धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, पर नहीं ठीक है अभी आपने जो बोला हो मैं इसमें से कुछ ना कुछ नया भी देखूंगा कि मेरे धंधे में नया क्या लाऊंगा। टेको में से यही है कि आप जो आज चीज़ कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या 5 साल के बाद में वो धंधा कायम रहेगा कि नया कुछ तो भी आपको करना पड़ेगा। एक ज़माने में ऐसा था कि जेरोक्स मशीन, जेरोक्स 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 बोल रहे थे, फोटोकॉपी, आज उसकी जगह ईमेल ने ले लिया, मालूम ही नहीं पड़ा, व्हाट्सएप ने ले लिया, मालूम नहीं पड़ा। टेलीग्राम का एक ज़माना था कि लोग टेलीग्राम मतलब जैसा टेलीग्राम आया, मतलब टेलीग्राम आया, बॉम्बे से टेलीग्राम आया, कुछ तो भी खबर आ गई इमरजेंसी में, तो भी टेलीग्राम मालूम ही नहीं पड़ा। उसकी जगह अलग अलग जो हमारे पास में सोशल मीडिया उसने ले लिया, पता मतलब आप जो भी आज है 5 साल के बाद में वो रहने वाला है नहीं। कपड़ा लेके लोग अपना शर्ट पैंट सिलाते थे, आज टेलर ही गायब होना चालू हो गया, टेलर नहीं है, क्योंकि आज लोग रेडीमेड लेना पसंद करते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि टाइपराइटिंग जो मशीन है उसके ऊपर लोग टाइपिंग सीखते थे और टाइपिंग क्लास, टाइपराइटिंग के क्लास चलते थे, लोग शॉर्ट हैंड सीखते थे, टाइपराइटिंग के क्लासेस होते थे। आज कोई टाइपराइटिंग क्लास दिखता नहीं है, कोई टाइपराइटिंग सीखता नहीं है, लोग धपाधप जो चालू हो गए वो सब लैपटॉप से, लोगों के पास में कंप्यूटर्स है और उसके ऊपर लोग टाइप करना चालू कर देते, वहीं सीख लेते, टाइपिंग मशीन कहाँ गायब होगी मालूम ही नहीं पड़ा। तो टाइपराइटर तो अभी लुप्त हो गया, दिखता भी नहीं है। जब तक आप ये देखेंगे नहीं कि आगे 5 साल में क्या होने वाला है आपके धंधे में, और वो हम सोचेंगे नहीं, वो हम देखेंगे नहीं, तब तक आपके धंधे को थ्रेट है। आज जो लोग ड्राइवर करके काम कर रहे हैं, हो सकता है कि 5 साल बाद में, 10 साल बाद में ड्राइवर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ ड्रिवन कार आ जाएंगे, ऑटोमेटिक पता लगेगा नहीं कि उसने जगह ले लिया, ड्राइवर लगेगा नहीं लोगों को। तो जब तक आप वो देखेंगे नहीं 5 साल में क्या होने वाला है, तब तक आपका धंधा कब बंद हो जाएगा, कब दूसरे लोग हावी हो जाएंगे, आपको कब घर बैठना पड़ेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपको ये वीडियो काफ़ी लोगों को शेयर करना पड़ेगा। लोग एक धंधा लेके बैठते, 5 साल बाद में ख़त्म होते, गायब हो जाते मार्केट में से। तो ज़रूर लोग इनोवेशन करेंगे, प्रोडक्ट का इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ अपने धंधे में ऐड करते जाएंगे, तो ही वो टिकेंगे, नहीं तो गायब हो जाएंगे। सो लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन भी है ना उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि आपको मेरे वीडियो की इंटीमेशन सबसे पहले आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को फैलाओ, लोग अपना धंधा बहुत बड़ा करेंगे, प्रॉस्पर होंगे, खुशहाल होंगे, अपना देश जो है ना वो आगे बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।